दोस्तों एक्सेल के एक नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसे मान लीजिए एक्सेल में हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं, एंट्री किए हुए हैं और हम लोग को एक समस्या होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारी एंट्री रो में हुई है और हम चाहते हैं कि कॉलम में हो जाए, या कॉलम में एंट्री हुई है रो में हो जाए। दोस्तों या मान लीजिए हम इसको यह कह सकते हैं कि अगर हमारी एंट्री जो है, जब भी एक्सेल, जैसे मान लीजिए हमारी एंट्री हुई है वर्टिकल में और हम चाहते हैं हॉरिजॉन्टल में हो जाए, हॉरिजॉन्टल में हुई है और हम चाहते हैं कि वर्टिकल में हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए आज हम लोग एक्सेल में ट्रांसपोज फार्मूले के बारे में जानेंगे और ट्रांसपोज दो तरीके से मैं बताऊंगा, एक सेटिंग के माध्यम से और एक जो है एक ट्रांसपोज फार्मूला बताऊंगा और एक ट्रांसपोज सेटिंग्स। दोस्तों मेरा नाम है तन्वीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तन्वीर में। दोस्तों चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एंट्री किया हुआ था और इसको आप यहाँ पर देख रहे हैं फार्मूला बार में ट्रांसपोज फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। चलिए दोस्तों तो एक बार हम इसको क्या काम कर देते हैं, मैटर को डिलीट कर देते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे तीन कॉलम और छह रो में एंट्री हुई है, तो आपको जहां पर भी अपना रिजल्ट चाहते हैं वैसे ही आप उसको, क्योंकि हमारी एंट्री जो हुई है कॉलम वाइज हुई है, इसको हम क्या काम करते हैं तीन रो सेलेक्ट कर लेते हैं और छह कॉलम को यहाँ पे टाइप करेंगे, ट्रांसपोज कोष्ठक लगाएंगे, एरे दे रहा है इसको सेलेक्ट करेंगे, कोष्ठक बंद करने के बाद कीबोर्ड से, अब यहाँ पे इंटर नहीं मारना है, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारी एंट्री पूरी पूरी आ गई। इसको मैं थोड़ा सा, ये हमारा सेंटर में ध्यान दीजिए, सीरियल नंबर नेम रन और यहाँ पे सीरियल नंबर आ रहा है, पांच सीरियल नंबर और यहाँ पे एंट्री हो गई है। चलिए दोस्तों इसी को हम क्या काम करते हैं, अब हम फिर से कॉलम को रो में करते हैं और इस बार हम दूसरे ट्रिक से करते हैं, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस बार हम यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दे रहा है, कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद जहाँ भी एंट्री चाहते हैं वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दे रहा है, इस पर जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसपोज का ऑप्शन दे रहा है, इस पर हम चेक करने के बाद ओके कर देंगे और आप देख रहे हैं कि हमारी एंट्री यहाँ पर, ये हमारा कॉलम को रो में कन्वर्ट कर चुका है। या अगर मान लीजिए ये हमारा रो में है, सॉरी ये हमारा कॉलम में है और हम इसको कॉलम को रो में करना चाहते हैं, तो फिर से हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर से पेस्ट स्पेशल पे आ जाएंगे और यहाँ पे ट्रांसपोज का ऑप्शन रहा, इसको ओके कर लेंगे। दोस्तों तुम्हारा रो से कॉलम और कॉलम से रो में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपका एक्सेल से या टिप्स एंट्री या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करें, इसके ऊपर हम जरूर वीडियोस बनाएंगे।